नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग छठा क्लास का गणित का प्रश्नावली 6.3 प्रश्नावली 6.3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। ये साइन बड़ा का है, ये बराबर का है, ये छोटा का है। इसमें से इसी तीनों साइन में से यहाँ पे कोई एक साइन को हमको भरना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये पूर्ण भाग है, ये दोनों बराबर है, मतलब दशमलव के बाईं ओर का अंक दोनों संख्या में बराबर है। तो हम लोग इसको फिर देखते हैं, ये दशांश ये भी बराबर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शतांश को। तो हम इसको देखें कि यहां शतांश 0 है और यहां शतांश 9 है। इसको हम लोग यदि लिखेंगे 1 जोड़ 7/, ठीक है, 10 प्लस 0/100 प्लस 9/1000। और ये वाले को इसको लिखेंगे हम लोग 1.709 और ये है 1.79। देखिएगा, 1 तो लिखेंगे ही, प्लस 7/10 प्लस 9/100। तो ये दोनों मेरा यहाँ पे बराबर है, लेकिन ये 0 है, ये 9 है, तो कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। ये 0/100 है, ये 9/100 है, मतलब जो शतांश है इसका बड़ा है, इसलिए ये छोटा होगा इससे, ठीक है। ये वाला संख्या दोनों में बराबर है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 18.34 को 18 जोड़ 3/10 जोड़ 4/100। 18.43 को लिखेंगे 18.4/10 जोड़ 3/100। ये तो दोनों में बराबर है, ये 3/10 है, ये 4/10 है, तो ये वाला बड़ा हो गया, है ना। ये 3/10 है, ये 4/10 है, तो ये वाला बड़ा हो गया, मतलब 18.43 बड़ा है 18.34 से, तो 18.34 छोटा होगा 18.43 से। इसका दशांश छोटा है इसके दशांश से, ठीक है। यहां लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि 3/10 छोटा है 4/10 से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 18.34 का दशांश छोटा है 18.43 के दशांश से, इसलिए ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग जो संख्या का जो पूर्ण भाग है उसको देखते हैं। तो ये है 2, ये है 3, ये है 3, ये है 0। सबसे छोटा कौन सा है? आरोही में क्या करते हैं, छोटा से बड़ा यो चलते हैं हम लोग। तो 0.3 सबसे छोटा संख्या है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0.3। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं सबसे छोटी संख्या बराबर 0.3। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा है, तो 2.3। इसके बाद 2.3, ये दोनों हो गए। अब ये दोनों में देखेंगे हम लोग, तो यहां पूर्ण भाग इसका 3 है, इसका भी पूर्ण भाग 3 है। इसका दशांश कितना है? 1। इसका दशांश कितना है? 0। तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसके बाद आ जाएगा मेरा 3.05। इसके बाद आ जाएगा 3.1, ठीक है। तो ये कहा आरोही क्रम में लिखिए, मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0.3, ठीक है, ये छोटा है इसे 2.3 से, ये छोटा है 3.05 से, ये छोटा है 3.1 से, ये हो गया हमारा। इसी तरह से यदि क्वेश्चन देगा कि ये छोटा से बड़ा चल रहे हैं तो आरोही, अवरोही में जस्ट उल्टा, बड़ा से छोटा चलेंगे हम लोग, तो ये हम लोग कर लेंगे। इसके बाद
जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है, ये कहता है इनमें से कौन बड़ा है, तो वो हम लोग इसी आधार पे कर लेंगे हम लोग। तो आप इसको कर लीजिएगा, हम चलते हैं अब प्रश्नावली 6.4। प्रश्नावली 6.4 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को रुपये में बदलिए। तो हम लोग को पता है 100 पैसा बराबर कितना होता है, 1 रुपया। तो 1 पैसा बराबर कितना होगा, 1/100। तो 10 पैसा बराबर, तो हम लोग इसको लिखते हैं पहला वाला को, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया, ठीक है। तो 10 पैसा है तो हम लोग इसको लिखेंगे 10/100 रुपया, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.10 इतना रुपया, मतलब 10 पैसा बराबर हो गया 0.10 रुपया। तो अब हम लोग डायरेक्ट यदि पैसा को रुपया बदलना हो तो 100 से भाग दे देंगे। जैसे हम लोग पांचवा क्वेश्चन को लेते हैं, 1315 पैसा लिखा हुआ है, ये इसको हम लोग को रुपया में बदलना है। इसको लिखेंगे 1300+15 पैसा। 1300 पैसा मतलब कितना हो गया, 13 रुपया। 100 पैसा बराबर है 1 रुपया, तो 1300 पैसा बराबर 13 रुपया, हम लोग इसको लिखेंगे 13 रुपया+15 पैसा को 15/100 रुपया, तो 13, ठीक है, 15/100 को कितना लिखते हैं, 0.15, तो 13.15 रुपया। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मीटर में बदलिए। तो हम लोग को पता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 1/100 मीटर। तो इसलिए 5 सेंटीमीटर को यदि करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, 5/100, 0.05 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100 मीटर बराबर 0.05 मीटर। 9 मीटर 50 सेंटीमीटर है, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसको यदि हम लोग को बदलना है तो लिखते हैं 9 मीटर/50 सेंटीमीटर, और इसको लिखा जा सकता है 9 मीटर/50/100, ये भी मीटर हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे 9.50 मीटर। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा को, 175 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है हम लोग को। तो 100 सेंटीमीटर+75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर लिखेंगे हम लोग 1 मीटर, और 75 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे हम लोग, 75/100 मीटर बराबर 1.75 मीटर। नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलें। तो इसका दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, 40 मिलीमीटर लिखा, तो क्या करेंगे, 40/10, हम लोग यहां पर देखेंगे 10 मिलीमीटर बराबर
एक सेंटीमीटर होता है। तो एक मिलीमीटर बराबर क्या करेंगे हम लोग, 1/10 कर लेंगे। तो 40 मिलीमीटर बराबर क्या करेंगे, 40/10 मतलब 4.0 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। 2 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है, जब इसको हम लोग को चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर तो है ही ये, 2 सेंटीमीटर + 10 ये हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर बराबर। 2 सेंटीमीटर + 5/10 को लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर। निम्नलिखित को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग को पता है 1000 बराबर 1 किलोमीटर, ये किमी का मतलब होता है किलोमीटर। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या करेंगे हम लोग इसमें, 1/1000, 1000 से भाग दे देंगे, तो 1/1000 ये किलोमीटर हो गया। तो अब जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 मीटर बराबर 9/1000 कर देंगे हम लोग, इतना किलोमीटर। तो 0.009 किलोमीटर। अब तीसरा देखते हैं, 1384 मीटर, 1000 + 384 मीटर, ये भी मेरा मीटर है। तो 1000 मीटर + 384 मीटर, 1000 मीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर, इसको हम लोग लिखेंगे 1 किलोमीटर + 384 को 1000 से हम लोग भाग दे देंगे, ये भी हो गया किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर + 0.384 किलोमीटर बराबर 1.384। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लीजिएगा, वो है किलोग्राम में बदलिए। तो 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, तो 1000 से भाग करके बना लीजिएगा आप लोग। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।